Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Mathematics, Chapter 3, Integers, Practice Set 6. So, दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पे देखो ये क्या है, अपोजिट नंबर, ठीक है। देखो जीरो से ये क्या वन टू थ्री, थर्ड नंबर पे प्लस थ्री है और लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर पे माइनस थ्री है, मतलब ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस थ्री और ये माइनस थ्री। अब ये क्या बोलता है, व्हेन द रैबिट जंप्स थ्री यूनिट टू द राइट फ्रॉम जीरो, जीरो से थ्री यूनिट जाता है तो वो कहाँ पे पहुँचता है, प्लस थ्री पे पहुँचता है, और जीरो से लेफ्ट साइड में थ्री यूनिट जाता है तो वो कहाँ पे पहुँचता है, माइनस थ्री पे पहुँचता है। बोथ दिस डिस्टेंस फ्रॉम जीरो आर इक्वल, जीरो से ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, दोनों कितने कितने का डिस्टेंस है, ये दोनों थ्री थ्री का डिस्टेंस है। ओनली द डायरेक्शन ऑफ द टू जंप्स आर अपोजिट टू ईच अदर, इन अदर वर्ड्स प्लस थ्री एंड माइनस थ्री आर अपोजिट नंबर। अगर हम लोग इसको बोला जाएगा तो ये प्लस थ्री और माइनस थ्री जो है उसका अपोजिट नंबर होता है। अब क्या बोलता है, अपोजिट नंबर आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट नंबर क्या होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में भी जाएगा और सेकेंड राइट साइड में भी जाएगा और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे देखो, इन द रैबिट जंप्स फाइव यूनिट टू द लेफ्ट फ्रॉम जीरो, अगर फाइव यूनिट लेफ्ट जाता है तो वो कहाँ पे पहुंचेगा, माइनस फाइव पे पहुंचेगा, ठीक है। और इट जंप्स फाइव यूनिट टू द राइट, अगर माइनस फाइव से राइट साइड में जाएगा तो वो कहाँ पे पहुंचेगा, जीरो पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस फाइव प्लस जीरो, सॉरी माइनस फाइव प्लस प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर इज जीरो। अगर यहाँ से मैं प्लस फाइव और माइनस फाइव करता हूँ तो ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फाइव माइनस फाइव कितना होता है, जीरो होता है, और दोनों का साइन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, बड़ा कोई नहीं है तो साइन जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं प्लस सिक्स करता हूँ और यहाँ पे माइनस सिक्स करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, इसी तरीके से इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखो ये क्या माइनस फाइव तक है, ये रैबिट को भूल जाओ, या तो देखो जीरो से फाइव यूनिट तक रैबिट यहाँ पे आता है माइनस फाइव तक, ठीक है। ये किस साइड में आया, ये लेफ्ट साइड में आया, ये किस साइड में आया, ये लेफ्ट साइड में आया। तो जब ये लेफ्ट साइड में यहाँ तक आया तो कितने यूनिट आया, वो वन यूनिट, टू यूनिट, थ्री यूनिट, फोर यूनिट एंड फाइव यूनिट। अब क्या बोलता है, अगर रैबिट फिर से रिपीट करके फिर से रैबिट यहाँ से स्टार्ट करता है, माइनस फाइव से स्टार्ट करता है, माइनस फाइव से फाइव टाइम जाएगा तो कैसे जाएगा, ये फाइव टाइम जाएगा तो ये कैसे जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से फिर से यहाँ पे ही आएगा फाइव टाइम में, मतलब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाता है ना, राइट साइड में जो भी जाता है तो प्लस हो जाता है। जब ये प्लस हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में आया तो क्या हुआ, माइनस फाइव आया। अब यही राइट साइड में जा रहा है तो प्लस फाइव आ जाएगा, तो माइनस फाइव प्लस फाइव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही चीज इसमें बताया है, द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर इज जीरो। प्रैक्टिस सेट सिक्स बहुत छोटा है, राइट द अपोजिट नंबर ऑफ ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो, इसका अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका प्लस 47 है तो प्लस 47 का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस 47, प्लस 52 है तो माइनस 52, माइनस 33 है तो प्लस 33, माइनस 84 है तो प्लस 84, माइनस 21 है तो प्लस 21, प्लस 16 है तो माइनस 16, माइनस 26 है तो प्लस 26, 80 है तो माइनस 80। सो हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म।